हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको गिटार के ट्यूटोरियल्स देने जा रहा हूं, जो आपको आसानी से समझ आए और एकदम बेसिक से शुरुआत करता हूं ताकि आपको आगे जाके काम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है जो हर म्यूजिशियन को याद रखनी पड़ती है वो होती है क्रोमैटिक स्केल। जी हाँ, क्रोमैटिक स्केल अब क्या होता है, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ इसको हम क्रोमैटिक स्केल बोलते हैं। इसमें ए, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, फिर नेक्स्ट ऑक्टेव में फिर से ए से शुरू होता है हर इंस्ट्रूमेंट्स में, या नेक्स्ट फ्रीट में नेक्स्ट ए से स्टार्ट होता है। तो गाइस, मैं आपको बाद में गिटार में सिखाता हूँ, पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है गाइस। फिर इसी क्रोमैटिक स्केल के अंदर दो बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, शार्प्स और फ्लैट्स, और हाफ स्टेप एंड होल स्टेप का। तो गाइस, शार्प्स एंड फ्लैट्स पे आते हैं। तो गाइस, शार्प्स और फ्लैट्स होता क्या है, कि जो आप ए के बाद ए शार्प देख रहे हैं, ये जो ए के ऊपर हैशटैग वाली चीज़ लगी है उसे हम शार्प से डिनोट करते हैं। जो भी लेटर के आगे आप हैशटैग वाली चीज़ देखते हैं उसे हम शार्प बोलते हैं, ठीक है गाइस। अब इन शार्प्स के निकनेम होते हैं, जैसे आप सबके निकनेम्स होते हैं वैसे इन शार्प्स के भी निकनेम्स हैं, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है टोन में ना आवाज़ में। नाम अलग अलग है लेकिन आवाज़ एक जैसी है। तो इन शार्प्स के निकनेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं ए शार्प को लेता हूँ फॉर एज ए की नोट, ठीक है। मैंने ए शार्प को लिया, इसका निकनेम है बी फ्लैट। तो गाइस, आपको ये कैसे याद रहेगा, अगर आपसे किसी भी की नोट यानी कोई सा भी नोट का आपसे शार्प पूछा जाए तो आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है जो है हाफ स्टेप एंड होल स्टेप। पहले मैं बता देता हूँ हाफ स्टेप एंड होल स्टेप क्या है, फिर आपको शार्प्स एंड फ्लैट्स याद करने का तरीका बताता हूँ। तो ये हाफ स्टेप होल स्टेप होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ए को एज ए की नोट चूज करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ए को लिया, अब ए का हाफ स्टेप अप यानी हाफ स्टेप आगे होता है ए शार्प, जो द वेरी नेक्स्ट नोट होता है उसे हम हाफ स्टेप अप बोलते हैं, जो नोट के आगे आता है। हाफ स्टेप डाउन यानी उस नोट के पीछे, ए के पीछे आता है जी शार्प, हाफ स्टेप पीछे आता है जी शार्प, क्योंकि जी शार्प के बाद फिर से ए से शुरू होता है तो उसके पीछे ऑब्वियसली जी शार्प ही होगा। गाइस, ये तो हो गया हाफ स्टेप। अब हम चलते हैं होल स्टेप की तरफ। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैं ए को फिर से अपना की नोट लेता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल इसका होल स्टेप अप यानी होल स्टेप आगे हो गया बी यानी द सेकेंड नोट, विच नोट यू चूज, ओके द सेकेंड नोट, ये हो गया हाफ स्टेप अप बी का, सॉरी होल स्टेप अप। बी का होल स्टेप हो गया सी शार्प, एक एक नोट छोड़ के जो हमें नोट मिलता है वो होता है होल स्टेप। अब वैसे ही सिमिलरली ए का होल स्टेप डाउन हो गया हमारा जी, ए का होल स्टेप डाउन हो गया जी, हाफ स्टेप जी शार्प था लेकिन हमें एक नोट छोड़ के दूसरे में आना था, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली इधर से इधर आ रहे हैं, तो ए का होल स्टेप डाउन हो गया जी, हाफ स्टेप और होल स्टेप। अब आपको ये कैसे याद रखना है कि क्या शार्प्स होता है और क्या फ्लैट्स। तो गाइस, जो आप हैशटैग वाली चीज़ें देख रहे हैं हर नोट के आगे उसे हम शार्प से डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था। अब इन शार्प्स के निकनेम होते हैं वो होते हैं फ्लैट्स, जो स्मॉल लेटर बी से डिनोट किए जाते हैं। तो गाइस, फ्लैट्स को कैसे याद रखें, शार्प्स को कैसे याद रखें, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है हर किसी को याद करने में, लेकिन इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। तो गाइस, आपको ये याद रखना है, जैसे मैंने आपको हाफ स्टेप होल स्टेप सिखाया था, आप कोई भी की नोट ले लेते हैं, पहले हाफ, ये शार्प्स और फ्लैट्स में सबसे पहला एक्सेप्शन है कि बी और ई के पास शार्प नहीं है, इसका मतलब बी शार्प या ई शार्प एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इम्पॉसिबल है, वो नोट नहीं है, ये है एक्सेप्शन इन क्रोमैटिक स्केल। तो गाइस, इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखते हुए हम शार्प्स एंड फ्लैट्स की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है गाइस। फॉर एन एग्जांपल मैं ए शार्प ही ले लेता हूँ, अब इसका नेक नेम है बी फ्लैट, लेकिन बी शार्प नहीं होता लेकिन बी फ्लैट होता है। अब इसको कैसे याद रखा जाए, किसी भी नोट का अगर आपसे शार्प पूछा जाए तो आप हाफ स्टेप अप जाना, मतलब मैं आपसे कोई भी नोट पूछ ले, तो जैसे जी, आपसे कोई भी नोट पूछ ले, जैसे मैंने जी पूछा तो जी का हाफ स्टेप अप हो गया जी शार्प, ठीक है गाइस, जी शार्प, मैंने शार्प पूछा था शार्प। अब जी शार्प को हम ए फ्लैट भी बोल सकते हैं, यानी जी शार्प को हम ए फ्लैट बोल सकते हैं, जो जी शार्प का अगला नोट होता है ए,
उसको उसके आगे हम स्मॉल लेटर बी लगा देंगे तो वो हो गया हमारा जी शार्प यानी ए फ्लैट। जी शार्प ए फ्लैट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम ही नोट है, बस दोनों के नाम अलग अलग है, लोग अलग अलग तरह से याद रखते हैं इसे। आप चाहे तो शार्प में याद रखिए या तो आप फ्लैट्स में याद रखिए। ये आप ऊपर जो देख रहे हैं ये शार्प्स में है, इसके नीचे आप उसी का सेम क्रोमेटिक स्केल लेकिन फ्लैट्स में देखेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों शार्प्स और फ्लैट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, बी शार्प या ई शार्प एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए गाइस मैं आपको इसे अपने गिटार पे दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। गाइस ले लिया है मैंने अपने एक्वेस्टिक गिटार यामाहा F310। ये गिटार मैं हर बिगनर्स को रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली और बहुत कंफर्टेबल है। तो चलिए इसमें एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो आप जो देख रहे हैं सबसे पहली चीज़ ये स्ट्रिंग्स होती है। इन स्ट्रिंग्स में ऊपर के तीन यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्ट्रिंग्स के नंबर्स नीचे से स्टार्ट होते हैं, सबसे पतली 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से नंबर्स काउंट होते हैं, स्ट्रिंग्स काउंट की जाती है। तो गाइस सबसे ऊपर की जो तीन स्ट्रिंग है यानी 6, 5, 4 ये तीन स्ट्रिंग्स है बेस स्ट्रिंग्स और ये बाकी की तीन है लीड स्ट्रिंग्स। तो गाइस जैसा कि नाम में ही है कि ऊपर की स्ट्रिंग से एकदम बेस आवाज़ निकलती है और नीचे की एकदम लीड जैसी आवाज़ आती है, तो इसलिए ये तीन लीड स्ट्रिंग्स है, ये बेस स्ट्रिंग्स है। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको एक ऊपर यहाँ से यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, ये एक एक फ्रीट में जो आप प्रेस करते हैं उसका नोट्स क्या है ये आप ऊपर यहाँ से यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है गाइस। तो मैं थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो नंबर वन फ्रिट से ये ई स्ट्रिंग है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हाफ नोट आगे, जैसे कि मैंने बोला था हाफ नोट आगे बच जाएगा, ई का हाफ नोट, ये ई स्ट्रिंग है। ई स्ट्रिंग के बाद हाफ स्टेप आता है एफ, तो ये दबाएंगे तो यह हो गया हमारा एफ, फिर इसका हाफ स्टेप, एक एक फ्रिट दबाते हैं एक स्ट्रिंग में तो हाफ स्टेप आगे जाता रहता है, जाते जाते आप देख सकते हैं लास्ट में फिर से ई में एंड हो रहा है। सेम थिंग विद द फिफ्थ स्ट्रिंग, ये ए है, ए शार्प, बी, सी, सी शार्प, ऑल द वे टू फिर से ए। ये यहाँ पे जो एकदम लास्ट में इधर दो डॉट्स वाला है, इस वाले में वापस से वही स्ट्रिंग के नाम आते हैं यानी ई, ए, डी, जी, बी, ई, ये है स्ट्रिंग्स के नाम ऊपर से नंबर सिक्स से, ई, ए, डी, जी, बी, ई, ठीक है गाइस। ये है स्ट्रिंग्स के नाम, ये आप ऊपर डायग्राम देख रहे हैं, ये हर एक फ्रेट का हाफ स्टेप अपार्ट है, ठीक है गाइस। तो ये सबसे बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी होती है। अब ये बेसिक के बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दिखाऊंगा ताकि आपका हाथ गिटार में अच्छे से बैठ जाए और गिटार बजाने से पहले आप अपना गिटार अच्छे से ट्यून कर लीजिए और अपने नेल्स भी ट्रिम कर लीजिए। गिटार ट्यून करने के लिए मैं गिटार ट्यूनर ऐप रिकमेंड करूँगा और हाँ, आपका नेल्स कट होना चाहिए और अगर आपका हाथ ज़्यादा स्वेटी है तो आप अपने साथ एक हैंडकरचीफ या हैंड टॉवल रख सकते हैं ताकि आप बार बार पोंछें और अपने स्ट्रिंग्स को गीला ना करें ताकि उसमें रस्ट ना जम जाए, ठीक है गाइस। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाऊंगा ताकि आपका हाथ एकदम प्रोफेशनल की तरह चले। तो गाइस चलो शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर वन। जो भी मैं आपको एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ उसको एटलीस्ट आप 20 से 30 बार प्रैक्टिस करें, जी हाँ, इतने बार प्रैक्टिस करने से एटलीस्ट आपका हाथ शेप में आ जाएगा, एकदम प्रॉपर शेप में, ये एक्सरसाइज मास्टर करने के बाद। और ये मास्टर करने के लिए आपको एटलीस्ट 20 से 30 बार प्रैक्टिस करनी होगी ये एक सेम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब भी आप कोई स्ट्रिंग प्रेस कर रहे हैं तो आप स्ट्रिंग एकदम टिप से प्रेस करें, एक हर उंगली के टिप से, इधर उधर से नहीं, एकदम टिप से, ठीक है, ताकि ऐसे ऐसे कोई बजाता नहीं है वैसे, इसलिए टिप से बजाए तभी, एकदम टिप में आना चाहिए। तो पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला एक्सरसाइज मैं आपको दिखा देता हूँ है क्या वैसे। एक्चुअली एक्सरसाइज ऐसा है, ये है एक्चुअली पहला एक्सरसाइज, देखिए मैंने इधर उधर से कहीं से प्रेस नहीं किया। ये एक्सरसाइज के बहुत सारे पार्ट्स है इसी एक्सरसाइज, वो मैं आपको दिखाऊंगा और ये पूरा पार्ट आपको एटलीस्ट 20 से 30 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है गाइस। तो मैं आपको पहले स्लोली बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहला पार्ट है आपको ऊपर के फर्स्ट फ्रीट के सिक्स स्ट्रिंग से, फर्स्ट फ्रीट के
सिक्स्थ स्ट्रिंग को प्रेस करना है, प्रेस करना है, टच नहीं करना है। कुछ लोग सिर्फ टच करके बजाते तो कुछ आवाज़ नहीं आती, आपको पूरा दम लगा के प्रेस करना ताकि एकदम क्लियर साउंड आए। अगर आप प्रेस नहीं करोगे और ऐसे रखोगे तो ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसा डिफरेंस है। ठीक है, आपको प्रेस करना है। ठीक है, पहला एक्सरसाइज का पहला पार्ट एकदम स्लोली ऐसे, पहला फिर दूसरे फ्रिट में दूसरी उंगली से, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। ये पहला पार्ट है, पहले आप इसको 20 से 30 बार प्रैक्टिस करके स्पीड पकड़ लीजिए। और पिकिंग स्टाइल में बता देता हूँ, दो तरह के पिकिंग स्टाइल होते हैं, एक सिर्फ डाउन पिक होता है, नहीं तीन तरह के पिक होते हैं सॉरी, एक डाउन पिक होता है, एक अप पिकिंग होता है, फिर एक ऑल्टरनेटिव पिक होता है। डाउन में क्या होता है, सिर्फ आपको ऊपर से नीचे प्रेस करने होते हैं कोई भी स्ट्रिंग, और स्ट्रमिंग में भी सिर्फ डाउन स्ट्रमिंग, ये ऐसे है, ये होते हैं डाउन पिक लीड्स बताते समय। और अप पिकिंग ऐसा होता है ऊपर की तरफ, ऑल्टरनेटिव डाउन अप दोनों साथ में। तो गाइस इसमें आपको ऑल्टरनेट पिक करना है, डाउन पिक आप डाउन पिक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ऐसे आपको दोनों दिख रहा होगा, फिर ऑल्टरनेट पिकिंग में आपको स्पीड मिलेगी। और पिक पकड़ते समय आपको अपने पिक ऐसे लेना है और ऐसे रहना है जब आप बजा रहे हैं, देख रहे हैं ऐसे, एकदम ऐसे ऐसे उल्टा सीधा नहीं होना है, और अच्छे से ग्रिप रहनी है। और जब आप इधर आ रहे हैं तो एकदम स्ट्रिक मत रहिए, अजीब लगता है, स्टिक मत लीजिए, एकदम आराम से धीरे से लूज छोड़िए अपने आप को और बजाइए। ठीक है, सेकंड पार्ट है, ऐसे ही बजाते बजाते आपको सारी स्ट्रिंग्स कवर करनी है, जैसे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ फिर धीरे से दिखाता हूँ। गाइस आपको ऊपर से नीचे ऐसे आना है, तो दिखाता हूँ स्लोली मैं आपको, एक दो तीन चार, ये जैसे आप चौथा बजाते हैं आधे सेकंड के बाद ही आपको नेक्स्ट स्ट्रिंग में जंप करना है इस उंगली के साथ, ऐसे थे ऐसे हो जाना है, और इधर भी तुरंत ऐसे बजाना है। जब आप इधर ऑल्टरनेट पिक कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि फोर में आपका ऊपर जा रहा है, आप डाउन से शुरू कर रहे हैं और फोर में ऊपर जा रहे हैं, जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो डाउन से ही स्टार्ट करना है, डाउन, फिर इधर भी दो तीन चार अप में ख़त्म हुआ तो नीचे नेक्स्ट में ऐसे ही डाउन से शुरू करना है। यस, ऐसे करते करते आपको आप चाहे तो इसे ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं पिकिंग और नीचे से भी, लेकिन ऊपर नीचे करते समय अगर आप ऊपर से कर रहे हैं तो आपका लास्ट, हर एक लास्ट का जो बज रहा है वो डाउन ही होना चाहिए, नहीं हो रहा है मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो आप पहले धीरे से कीजिए, फिर आराम से स्पीड पकड़िए, फिर आप इस एक्सरसाइज को मास्टर कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।